दिवाली के त्यौहार के लिए हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। कब दिवाली मनाएं हम, कब नया कपड़ा हो, कब घर को सफाई करें, कब हम पटाखे फोड़े। लेकिन ये दिवाली जो है इसे दीपावली भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोनों में अंतर क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोनों में अंतर है। दिवाली और दीपावली दो अलग जगह में इस्तेमाल होता है। बताऊंगा मैं दोस्तों, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दिवाली और दीपावली दो अलग वर्ड है। हाँ सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप अगर संधि करके देखें तो आता है दीप प्लस अवली। दीप मतलब दिए और अवली मतलब ग्रुप, मतलब दिया का ग्रुप। और नॉर्थ इंडिया में दीप को दिया कहा जाता है, तो वहां से दिया जोग अवली दिवाली आया है ये माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में इसे दिवाली कहा जाता है और साउथ इंडिया में दीपावली? और नॉर्थ इंडिया का जो दिवाली है और साउथ इंडिया का जो दीपावली है वो दोनों अलग है। लक्ष्य सेम है लेकिन अलग तरीके से मनाया जाता है। दीपावली जो है वो चार दिन का फेस्टिवल होता है साउथ इंडिया में, जो कि अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में पालन किया जाता है। पहला दिन नरक का चतुर्दशी होता है और ये मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण की जीत के लिए, जो कि उन्होंने हरा दिए थे नरक का राक्षस को। और दीपावली जो ये होता है ये दिवाली के पहले ही मनाया जाता है साउथ इंडिया में, और ये होता है दिवाली के एक दिन पहले। और दिवाली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, और दिवाली मनाने के कारण है भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास काटकर जब अपने राज्य अयोध्या में पहुंचे उसके खुशी मनाने के लिए। दिवाली फेस्टिवल दो दिन पहले से शुरू होता है, और पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है, और धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली कहा जाता है, जिस दिन दीपावली साउथ इंडिया में मनाया जाता है। और दिवाली के दिन नॉर्थ इंडिया में लक्ष्मी पूजा आयोजित होता है, और माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उस दिन खीर सागर से निकली थी जब देवता और असुर जहां अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। और नॉर्थ इंडिया में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट या दिवाली पर्व मनाया जाता है, और इसी दिन साउथ इंडिया में बाली पद्यमी के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है उस दिन राजा महाबली पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने जाते हैं। और इसके अगले दिन नॉर्थ इंडिया में भाई दूज मनाया जाता है, और साउथ इंडिया में यमा द्वितीया मनाया जाता है। और दोनों ही ओकेशन में बहनें अपने भाई को अपने घर में इनवाइट करते हैं और भाई की लंबी उम्र कामना करते हैं भगवान के पास। दोनों ही सेम चीज है लेकिन मानना अलग है और माइथोलॉजी के हिसाब से थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इस चैनल से आप और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।